हाय फ्रेंड्स, दिस इज शहजाद सुमेर, यू वाचिंग शेड्स ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बड़ी ही दिलचस्प मालूमात देंगे। इस वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पारसीज एंड देयर रिलीजन। फ्रेंड्स, पारसीज तकरीबन 2500 साल पुराना रिलीजन है एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स में शुमार होता है। ये इस्लाम से भी पहले आया और इस मज़हब के बारे में कहते हैं कि ये जब प्राइमरीली जब इनिशिएट हुआ था तो इसमें भी वननेस ऑफ अल्लाह के ऊपर ध्यान दिया गया था और उसका रादर फंडामेंटल वाज वननेस ऑफ अल्लाह, यानी कि खुदा यकता वाहिद के ऊपर ईमान लाना। मगर जैसे कि बाकी रिलीजन अपनी अपने बुनियादों को खो दिया उन्होंने और करप्ट हो गए सिवाय इस्लाम के, इसी तरह इस मज़हब की भी बुनियादी तालीमात चेंज हो गई और बजाय एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के इन्होंने एक और अपना इला बना लिया, वो थी आग। इस मज़हब के मानने वाले ये समझते हैं कि आग चूँकि बहुत ही पावरफुल है और हर चीज़ को जला देती है, तो आग ही को वो अपना इला मानते हैं और वो समझते हैं कि यही आग उनकी तकदीर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करती है। ये आग उनके लिए मुकद्दस है और इसके बारे में ये कहा गया है कि उनका जो रूहानी पेशवा जिनको वो नबी कहते हैं वो था ज़रदश्त, और वो उस कहते हैं कि उनके पास अल्लाह की तरफ से जो मुकद्दस किस्म के मैसेजेस थे वो उसके पास हैं। और वो इसी सिलसिले में ये भी समझते हैं कि आजकल जो उनका रूहानी पेशवा है उसको उस ज़रदश्त की सरपरस्ती हासिल है और उसी के पास वो ही कदीमी नुस्खा है जो उनके नबी ज़रदश्त के पास था, जो अल्लाह की तरफ से उनके पास भेजा गया है। ये अपने इबादत की जगहों में और अपने घरों में आग रोशन रखते हैं। इनकी इनिशिएशन जो थी ये ईरान से हुई थी, इनकी सबसे ज़्यादा आबादी ईरान में थी, मगर जब इस्लाम आया तो फिर और इस्लाम ईरान पहुंचा तो फिर ये लोग काफ़ी जो थे वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, और जो कन्वर्ट नहीं हुए इस्लाम में वो ईरान छोड़ के भाग गए और उनकी काफ़ी आबादी इंडिया के गुजरात में या पाकिस्तान के कराची में आके रहने लगी। फ्रेंड्स, इनकी जो मुकद्दस आग जो इन्होंने जलाई थी 2500 साल पहले, एक रिवायत के मुताबिक जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त वो आग वहाँ पे उनके बुतकदों में या उनकी इबादत गाहों में वो बुझ चुकी थी, ये रिवायत में बयान किया जाता है। तो इस तरह उनका जो एक यकीन था कि ये आग जो उन्होंने जलाई है अपने मेन इबादत गाह में वो कभी नहीं बुझेगी, वो इस्लाम के आने से बुझ गई। तो हम सिलसिला कंटिन्यू करते हैं कि ये लोग फिर इस्लाम ईरान में आने के बाद कुछ गुजरात में शिफ्ट हो गए और कुछ पाकिस्तान में आ गए, कराची में, उस वक्त तो सब कॉन्टिनेंट था, तो कुछ कराची में आए और गुजरात में भी रहने लगे। ये मानते हैं कि इनके जो रिचुअल्स हैं वो किसी भी मज़हब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनकी अपनी शरिया है जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती। और एक सबसे दिलचस्प बात ये कि ये समझते हैं कि इनके बीच में, इनके बहन और भाइयों के बीच में शादी करना जायज़ है और ये शादी करते भी हैं, और ये समझते हैं कि सबसे मुकद्दस शादी इनके मज़हब में वही है जो भाई और बहन के बीच में हो और उसकी औलाद को भी ज़्यादा तरजीह दी जाती है। हाउएवर दे डू नॉट मैरी अदर देन देयर फैमिलीज, ये अपने ही ख़ानदान में शादी करते हैं। इसी की वजह से इनकी नस्ल आजकल बहुत ही कम हो रही है और इंडिया में तो एक डेंजरस लेवल पे इनकी कमी है, जिसके ऊपर अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स भी लेना शुरू किए हैं। इस मज़हब में काफ़ी फ़िरके पाए जाते हैं, कुछ फ़िरके अपनी डेड बॉडीज़ को बैरी करते हैं और कुछ फ़िरके अपनी डेड बॉडीज़ को एक बड़े ही टावर के ऊपर रख देते हैं जिसको टावर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। ये टावर ऑफ साइलेंस पाकिस्तान और इंडिया के बड़े शहरों में मौजूद हैं जैसे मुंबई, कराची और लाहौर, और मगर जो छोटे शहर हैं जहाँ पर पारसियों की आबादी बहुत कम है वहाँ पर ये अपने मुर्दों को दफन करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये तो इन्फॉर्मेशन थी ब्रीफली अबाउट पारसी मज़हब। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन पारसी लोगों की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा है। फ्रेंड्स अवारी होटल्स या अवारी टावर्स का तो आपने नाम सुना ही होगा, और ये दुनिया के बड़े होटल ग्रुप्स में से एक है, और सर बहराम डी अवारी इन्हीं के पायनियर्स में से हैं, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं इन अवारी टावर्स के रेवेन्यू के हिसाब से। इनकी 8 होटल्स हैं, 1 कनाडा में, 2 दुबई में और 5 पाकिस्तान के बड़े शहरों में। सर बहराम डिन शाह अवारी वॉज एक्सपर्ट इन याटिंग यानी कि कश्ती रानी, और एशियन मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल्स ये पाकिस्तान में भी लेके आए, और जावलक के ज़माने में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। नंबर 2 पे हम आते हैं असफंजार भंडारा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े कामयाब पॉलिटिशियन हैं, और मरी ब्रेवरीज के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। जी हाँ, मरी ब्रेवरीज बहुत बड़ा नाम है, और अल्कोहल और विस्की की दुनिया में 25 टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में से आता है जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, और ये इनके काफ़ी अरसे से चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं। नंबर 3 पे हैं जमशेद मेहता। जी हाँ, जमशेद नौसरवा मेहता जो कराची के पहले मेयर थे, जिनके ज़माने में कराची अपने टॉप लेवल की तरक्की पर पहुँचा। इलेक्ट्रिसिटी, मेटल रोड्स एंड पार्क्स एंड पब्लिक प्लेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की हाइट थी इनके ज़माने में। रादर हम कहेंगे कि ये सारी कराची की जो डेवलपमेंट थी आफ्टर पार्टीशन, वो जमशेद नौसरवा मेहता के ज़माने में हुई। 1937 के सब कॉन्टीनेंट के इलेक्शन में जमशेद, जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया सिंध प्रेसिडेंसी, तो जमशेद मेहता ने इलेक्शन जीता और ये सिंध के एमएलए हुए। मगर जब सिंध के हिंदुओं ने कहा कि आपने हिंदू वोट्स पर ये इलेक्शन जीता है तो आप हिंदुओं को ज़्यादा प्रिविलेज दें, इस पर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इन्हीं के ज़माने में नादिर शाह एडनजी डिनशाह यूनिवर्सिटी भी कायम हुई, जिसको MED के नाम से आजकल जाना जाता है। ये पहले एक कॉलेज के लेवल पे स्टार्ट हुआ था और आजकल कराची की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। नंबर 4 पर हम आएंगे दुराब पटेल। दुराब पटेल एक पॉलिटिशियन और एक एजुकेशनिस्ट थे, और 1966 में वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज हुए, और फिर 1975 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हुए जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने में। ये वही चीफ जस्टिस थे जो कि जब जुल्फकार अली भुट्टो के केस में जब पैनल बना था तो ही वॉज वन ऑफ देम। जब जुल्फकार अली भुट्टो के केस का डिसीशन आया तो इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के फेवर में अपनी स्टेटमेंट दी थी, और इन्होंने कहा था कि हम पारसी लोग हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमारे कलम से किसी बेगुनाह को फांसी हो, क्योंकि पारसी मज़हब और इस्लाम दोनों में रोज़े मेशर को अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। सो उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के हक में फैसला दिया और उनको रिहा करने की तजवीज़ दी, जिस पर आगे चलकर जावलक ने इनसे PCO के तहत रिजाइन ले लिया। 5वें नंबर पे हैं सर अच्छे कावसजी। सर अच्छे कावसजी पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉलमिनिस्ट हैं, और डॉन में इन्होंने अपनी खिदमात दी, और काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक इन्होंने कॉलम लिखे डॉन में। इनकी फैमिली 150 साल से कराची में ही आबाद है, और शुरू से ही शिपिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस से इनका ताल्लुक है। जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने में इनको MDPTDC यानी कि पाकिस्तान टूरिस्ट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का MD मुकर्रर किया गया था। इन्होंने कावसजी फाउंडेशन की भी बुनियाद रखी, जिसके तहत बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को, टोटली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। नंबर 6 पर जोई वकाजी। जोई वकाजी इज़ अ वेरी फेमस एंड टैलेंटेड सिंगर। आपने कोक स्टूडियो में भी उनको देखा होगा, और उनका एक फेमस सॉन्ग कोक स्टूडियो में है जैसे कि इश्क किनारा। इसके अलावा काफ़ी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज़ में इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की है, और पाकिस्तान में भी एक जानी मानी और उभरती गुलकार के तौर पे सामने आई हैं। नंबर 7 पे हैं नादिया मिस्त्री। जी हाँ, फैशन की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली नादिया मिस्त्री भी पाकिस्तान से हैं और इसी पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं।
इनके फैशन और डिज़ाइंस इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि ना सिर्फ हॉलीवुड लॉलीवुड इन पाकिस्तान बल्कि हॉलीवुड के लोग भी इनके डिज़ाइंस प्रेफर करते हैं। बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में इनके कॉस्ट्यूम्स की लाइन जो है वो यूज़ की गई है। पाकिस्तानी मेनली सारी मूवीज़ में तकरीबन बहुत सारी मूवीज़ में नादिया मिस्त्री की ही डिज़ाइनिंग चलती है और शी हैज़ आउटलेट्स इन अमेरिका एंड दुबई एंड यूके पाकिस्तान एंड बहुत ही पाकिस्तान की कामयाब फैशन डिज़ाइनर हैं। नंबर 8 पर हैं जमशेद मार्कर। जी हाँ, जमशेद मार्कर अपना करियर इन्होंने क्रिकेट कंपेयरिंग का से स्टार्ट किया रेडियो पर, मगर उसके बाद 10 साल के बाद फौरन इन्होंने अपना करियर स्विच किया डिप्लोमेसी की तरफ। ये पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर रहे हैं इन टू वेरियस कैपिटल्स। सबसे ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया अमेरिका में और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के कैपिटल्स के साथ, जैसे कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, उनके साथ भी हमारे सफारती ताल्लुकात स्मूथ रखने का बेड़ा इन्हीं के सर जाता है। इनकी इतनी तवील मुद्दत की सर्विस बतौर सफ़ीर होने की वजह से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल किया गया है। और 9 नंबर पे हैं जरनक सकवा। जी हाँ, हम टीवी नेटवर्क के एक चैनल मसाला चैनल पर ये अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं और इन्होंने अपने टीवी शो के थ्रू हमें हज़ारों रेसिपीज सिखाई हैं, क्योंकि पारसी लोग गुजरात और कराची और ईरानी कल्चर का एक इम्तिजाज हैं, तो इनकी रेसिपी भी बड़ी यूनिक सी होती हैं और स्पेशली पारसी घरों में जो लोग खाना खाते हैं वो उसका इन्फ्लुएंस इनकी रेसिपीज़ में नज़र आता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हैं जो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और पाकिस्तान में रहती हैं। और 10वें नंबर पे हैं बप्सी सिद्वा। जी हाँ, पाकिस्तानी निजात अमेरिकन नॉवलिस्ट जिन्होंने दुनिया भर में एक्नॉलेजमेंट हासिल की, वो भी पाकिस्तान से ही बिलोंग करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द पारसी रिलीजन और टॉप 10 पारसी फिगर्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान में मौजूद रही। फ्रेंड्स, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। इसी तरह की वीडियोस आपकी खिदमत में हम हाजिर करते रहेंगे। दिस इज शहजाद सुमरो साइनिंग ऑफ। फी अमान अल्लाह।